पंजाब सरकार द्वारा अबोहर में शुरू की गई किन्नू मंडी की हालत खराब है। मंडी में अच्छी क्वालिटी का किन्नू नहीं आ रहा। उत्पादन ज्यादा होने से भाव भी उठ नहीं पा रहे। इसके अलावा किन्नू की खेती हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों में भी शुरू हो गई है। संतरे की फसल अच्छी होने से भी किन्नू के भाव पर बुरा असर पड़ रहा है। आज मंडी में किन्नू का सबसे ऊंचा भाव 11 रुपए प्रति किलो रहा। कच्चा किन्नू, जिसे स्थानीय भाषा में गोली कहते हैं, 1 रुपए किलो तक बिका। मंडी के जानकारों का कहना है कि छोटे किसान अपना किन्नू तोड़कर बेच चुके हैं, बड़े किसान भाव बढ़ने की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि बाजार किस तरफ जाएंगे। व्यापारियों द्वारा किसानों को कटर के द्वारा फल तोड़ने की सलाह दी जा रही है। इस तकनीक को बटन कटिंग कहते हैं। टैनी के साथ काटा गया फल दूसरे फल को नुकसान पहुंचाता है। किसानों को किन्नू मंडी में लाकर अपना फल बेचने की सलाह भी दी जा रही है। आइए जरा सुनते हैं इस मामले में जानकारों का क्या कहना है। मंडी में जो अराइवल है, बी ग्रेड माल की ज़्यादा हो रही है। अभी जो माल वैक्सीन प्लांट के रिजेक्ट हैं या केयर तो अबकी बार नहीं आ रही, पर बी ग्रेड जो माल मानिए तो वो माल ज़्यादा आ रहे हैं। उस वजह से मार्केट डाउन चल रही है। तो एक जो डिमांड जो है ज़्यादा माल, बटन कट माल की डिमांड है। तो ये जो डंडी वाला जो माल आ रहा है, ये माल डंडी जो है पेंचर कर देती है माल को, ये उसको डैमेज कर दिया, डैमेज कर दिया तो ये माल आगे नहीं जाएगा, तो ये दिक्कत आ रही है। तो बटन कट प्रॉपर माल हो तो उसकी लोडिंग जो लंबी लोडिंग होगी, और वैक्सीन प्लांट वाले भी यहाँ से परचेज करेंगे, और लंबी लोडिंग के व्यापारी जो है वो परचेज करेंगे। जैसे ये बिहार की गाड़ी लोड हो रही है, तो बिहार की गाड़ी लंबी लोडिंग के लिए इन्होंने एक भी दाना ऐसा माल नहीं लिया, पूरी मंडी में ऐसा दाना नहीं लिया। तो मैक्सिमम माल जो ऐसा ही ले रहे हैं, जो बटन कट माल मिले और लंबी लोडिंग के लिए। किसानों को प्रोत्साहन इसी बात पर हम करेंगे कि जितना भी हो सके एक तो थैले में उसकी तुड़ाई करावे, और दूसरा जो है ये बटन कटिंग कराए माल, उससे यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा अपना। जो है प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है किसानों को, उसकी थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये अगर करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे लोडर बढ़ेंगे। वैक्सीन प्लांट 100 के लगभग वैक्सीन प्लांट है यहाँ पे अपने एरिया में, तो लगभग यहीं से माल खरीदेंगे। अभी वो जो टोटल बगीचों में जा रहे हैं, तो जैसे उनके पास कमी आ गई माल की, उनको 100 क्विंटल 50 क्विंटल माल इमीडिएट चाहिए, तो बगीचे से नहीं मिलेगा, मंडी से मिल जाए, तो मंडी से मिल जाए तो वो लेने के लिए आएगा, पर उनके मतलब का माल नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए वो ये ऐसा माल हो तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। मैं रेशिया हो या दिल्ली से हूँ, और किन्नू पहले अपना खाली अबोहर और गंगानगर में ही होता था। किन्नू अब यूपी, हरियाणा, इवन साउथ में भी पैदा होने लग गया है, अनंतापुर और नलगुंडा साइड में इतना किन्नू हो गया है। जो यहाँ से पहले जो किन्नू साउथ जाता था, अब साउथ में ही उन लोगों को अपना सस्ते रेट पर उधर से मिल रहा है, तो वो लोग अपना यहाँ से अपना कम मंगवा रहे हैं, उस करके थोड़ा फसल में भी वो हो रहे हैं। दूसरा नंबर, यहाँ पे लोग पहले बहुत अच्छी अपना खाद देते थे, सब कुछ देते थे, फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा दे नहीं रहे, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इस साल जो किन्नू है, किन्नू की फसल भी ज़्यादा है, उस करके रेट भी नहीं उठ रहा मार्केट का, और कुछ अदर प्रॉब्लम्स है। साउथ में भी रेट नहीं उठ रहा, क्योंकि संतरे की भी फसल ज़्यादा है, तो इस करके इस साल जो है किन्नू का समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, आगे प्लस में जाएगा या माइनस में आएगा। बाकी अपना लगे हैं, अपना इवन अच्छे वैक्सीन प्लान लगे हैं अबोहर में, अपना गंगानगर में अच्छे वैक्सीन प्लान है, यहाँ पे किसी से कोई कमी नहीं है। बट कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिट ज़्यादा हो गया है फसल ज़्यादा होने की वजह से। फसल हरियाणा में हो गई, यूपी में हो गई, जो खाली अपना राजस्थान और अबोहर में होती थी, गंगानगर और अबोहर में, वो फसल अपना राजस्थान में हो गई है, ये यूपी में अपना आगरा साइड में हो गया है, गुड़गांव में हो गया है, इवन साउथ में हो गया। इस करके अपना थोड़ा इस करके मंदी की थोड़ी वो लग रही है आशा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।